क्राइम ब्रांच बड़खल और एक्साइज विभाग की टीम ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद में नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि डबुआ पाली रोड पर एक प्लांट के अंदर नकली शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर यहाँ छापा मारा गया। छापे के दौरान आरोपी यहां से बचकर फरार हो गए, लेकिन यहां पर नकली शराब और उसे बनाने के तमाम सामान पाए गए। एक्साइज विभाग के अधिकारियों की माने तो नकली शराब के मामलों को देखते हुए पुलिस और उनकी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। आम जनता को ये देखना चाहिए कि इतने थिक एरिया के अंदर फरीदाबाद के अंदर ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है, एक्साइज विभाग के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इस तरह की गतिविधियों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिल्कुल एक अच्छा सोर्स की जरूरत होती है और वो एक आम जनता बन सकती है। अगर अड़ोस पड़ोस में आप नजर रखें, अड़ोस पड़ोस में अगर गतिविधियां आप थोड़ा सा जांचते रहें कि कौन क्या कर रहा है, तो ये इसमें हमारे को सहयोग मिलेगा और इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर हम कार्रवाई करने में कामयाब रहेंगे। जब हम यहाँ पहुँचे, जब हमें मुखबर खास की सूचना मिली और एक्साइज इंस्पेक्टर को हमने साथ लेकर रेड की थी सुबह, तो आरोपी यहाँ से जैसे ही हमने गेट खोला तो कूद के भाग गए, दीवार को फांद के पीछे भी भागे पर पकड़ नहीं पाए उनको। तो कब से चल रहा था धंधा, कुछ पता चल रहा है? जैसा कि मुखबर खास और आसपास से हमें थोड़ी सी सूचना जो मिल रही है कि करीब 2-3 महीने से ये इस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं। 2-3 महीने इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, सब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाई नेम मुकदमा है जो लोग यहाँ शराब बना रहे थे, 2 मुकदमों के 2 बेटा और बाप के। गौरतलब है कि पिछले साल फरीदाबाद समेत प्रदेश के कई जिलों में नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई थी, जिससे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। अब एक बार फिर फरीदाबाद में नकली अंग्रेजी शराब पकड़े जाने के बाद सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।